नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। हम चैप्टर विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने थंडर स्टॉर्म के बारे में जाना था, आज हम साइक्लोन के बारे में जानेंगे कि साइक्लोन क्या होता है और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। साइक्लोन एक बहुत ही बड़ा और एक राउंड शेप में, इस तरह कुछ इस तरह से स्पायरल लाइक इस तरह की फॉर्मेशन होती है और ये एक तरह का तूफान होता है। जब तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं किस वजह से चलती है, जो वाटर सरफेस होता है वह सूर्य की गर्मी की वजह से क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसा आप इधर देख पा रहे हैं, ये वाटर सरफेस है। हम अगर ऊपर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें ऊपर से देखने पर, कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। साइक्लोन को हम चक्रवात या फिर बाउंडर भी कहते हैं। ये जैसे ही यहाँ पर जो वाटर सरफेस होता है गर्म होता है, तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ से वाटर वेपर उठना ऊपर की तरफ शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वाटर वेपर ऊपर उठेंगे तो फिर कुछ हाइट पर जाकर, मीन्स ऊंचाई पर जाकर, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन ले लेंगे। और जैसे जैसे क्लाउड्स की फॉर्मेशन लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई था तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या हाई प्रेशर है, तो फिर एयर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। जब जैसे ही ये इधर मूव करेगी तो हमारी अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ घूमती है। तो फिर जब ये हवा इस तरफ चलेगी तो ये जो अर्थ की रोटेशन की वजह से है, ये हवा भी साथ साथ रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये सर्कुलर फॉर्म ले लेगी। तो फिर जब इस तरह से जो हवा है ये सर्कुलर फॉर्म में ऊपर की तरफ उठती रहेगी, और जो ऊपर है वहां पर क्या होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये हवा क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ रही है, और इधर क्या है, ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर रही है। फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर हमें बारिश भी देखने को मिलती है, और जो इसके साथ साथ जो सराउंडिंग में होंगी, यहाँ पर आपको थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। थंडर स्टॉर्म, जैसा कि आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में, यहाँ पर बहुत ही तेज तूफान है, उनके साथ बारिश भी आती है, और वहाँ पर हमें लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। तो जो ये जो सेंटर होता है जो साइक्लोन का, जो आप इधर देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही शांत होता है, इसे हम आई बोलते हैं। और जो आई होती है, इसका डायमीटर 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है, मतलब कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। और जो इसके अराउंड जो क्लाउड्स का रीजन होता है वो लगभग 150 किलोमीटर तक हो सकता है, मीन्स ये जो रीजन है ये लगभग 150 किलोमीटर तक हो सकता है। और जो इसके अंदर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही तेज चलती हैं, उनकी स्पीड की बात करें तो वो 150 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। तो इस तरह से ये साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ से वाटर सरफेस क्या होता है, हीट होता है, तो यहाँ से जो वाटर वेपर से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है, और इस तरह से ये क्या होती है, विंड जो ऊपर की थी या फिर जो हवा है या फिर वाटर वेपर से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो फिर इस तरह से हमें ये साइक्लोन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो ये साइक्लोन आता कहाँ पर है, ये उन्हीं एरियाज के अंदर आता है जहां पर वाटर होता है, क्योंकि वाटर की वजह से ही इनके अंदर बहुत तेज बारिश होती है जहां पर वाटर सरफेस होगा। अगर जिस तरह बात करें, अगर ये हमारे भारत का साउदर्न पेनिनसुला है, जो हमारे भारत का दक्षिण का हिस्सा है, तो उसकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है, और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर क्या पानी है, तो फिर जो ये जो एरियाज है, यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है, हमें यहाँ पर ये साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि उड़ीसा के अंदर एक फेनी साइक्लोन आया था, और एक गुजरात के अंदर भी एक साइक्लोन आया था। तो फिर वो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से वाटर वेपर से लेकर इनकी जो साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, तो फिर ये जैसे जैसे अगर ये लैंड सरफेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर ये जो लैंड जो आसपास का एरिया होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हैं। लेकिन इनको बने रहने के लिए वाटर वेपर्स की जरूरत होती है। तो फिर जैसे जैसे ये लैंड की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मीन्स जो इनकी पावर होती है
वो कमजोर होती जाती है, और फिर वो अगर वो लैंड सरफेस के ऊपर ही मूव करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, वो थोड़ी बहुत जल्दी ही वो क्या होगी, अपनी जो इंटेंसिटी को लूज कर देगी और वो बहुत ही धीमा रह जाएगा। लेकिन अगर ये जो वाटर सरफेस है, अगर इसके अलोंग मूव करेगा तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत ही मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि ये जो वाटर वेपर्स है यहाँ से, इनका वाटर वेपर्स की वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती रहेगी, और क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ बहुत ही तेज बारिश और बहुत ही तेज हवा देखने को मिलती है। तो फिर ये होगी हमारी जो साइक्लोन की फॉर्मेशन है। अब साइक्लोन की बात करें तो जो जापान का रीजन है वहाँ पर साइक्लोन्स को टाइफून बोलते हैं, और जो अमेरिका है वहाँ पर इनको हम हरिकेन बोलते हैं। तो जैसे साइक्लोन के अंदर आपको बताया कि बहुत ही तेज बारिश होती है और बहुत ही तेज हवाएं भी चलती हैं। तो तेज हवाएं क्या करती हैं, जो वहाँ पर जो आसपास के जो पेड़ होते हैं या फिर और कोई व्हीकल्स होते हैं, तो फिर उनको क्या करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि ये जो नुकसान हो रखा है कि जो ये साइक्लोन्स की वजह से है, ये बहुत ही जो घरों की तोड़फोड़ कर देते हैं और बहुत ही जो वहाँ का जीवन है उसको बिल्कुल ही अस्त व्यस्त कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी उनको बिगाड़ देते हैं ये तेज हवा, और जो पोल्स होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं, जिनकी वजह से जो लाइट की सप्लाई भी रुक जाती है और जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे टेलीफोन भी काम नहीं कर पाते और जो लोगों का जीवन है वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो साइक्लोन्स है वो अभी आपको बताया था कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर अवेलेबल होने की वजह से वहां पर साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती रहती है। अब बात करें कि गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो कुछ साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज के अंदर, मीन्स जहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर साइक्लोन्स आ सकते हैं, तो उन एरियाज में शेल्टर बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि क्या पता कि कब साइक्लोन आ जाए और उनकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि लोग बहुत, जैसे ही साइक्लोन आएगा तो क्या होगा, लोग बेघर हो जाएंगे, तो फिर उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। अगर वो कहीं अच्छी जगह पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, उससे बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है और उनकी जान भी जा सकती है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट को अगर कहीं पर भी ये लगे कि उन्हें अगर जल्दी कोई सूचना मिल जाती है कि इस एरियाज के अंदर कोई साइक्लोन आने वाला है या फिर कोई साइक्लोन फिलहाल है, तो उसके आसपास का एरिया जो है वहाँ पर वार्निंग इश्यू कर देनी चाहिए, वहाँ पर उन लोगों को सूचना दे देनी चाहिए कि यहाँ पर कभी भी साइक्लोन आ सकता है, तो फिर इसलिए आप उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी सेफ जगह पर चले जाएं। अगर ये तो होगी साइक्लोन के आने से पहले की बात, अगर साइक्लोन आ जाए तो उस दौरान क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर जो लोग हैं उनको खाना पीने खाने पीने की बहुत सारी कमी हो जाती है, तो उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन और जो फूड मटेरियल है वो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है वो रेडियो के माध्यम से देनी चाहिए। और जैसे ही अगर ये लगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये साइक्लोन आने वाला है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपने व्हीकल्स को भी तैयार रखना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जा सके, मीन्स वहाँ से सेफ जगह पर मूव किया जा सके। ये तो होगी जो गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि जो पीपल है जो साइक्लोन एरिया में रहते हैं, तो फिर उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बेस जैसे ही अगर कहीं पर साइक्लोन आ जाता है तो वहाँ से क्या होता है, बारिश भी होती है और बारिश बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ जैसी हालात बन जाती है, और जैसे ही बाढ़ आएगी तो आपको पता होगा कि हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा, वो ऐसा, और वो पानी ज़्यादा साफ ना होगा, बिल्कुल गंदा हो जाता है, बेस कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हम उसका सेवन करेंगे तो उससे हमें शरीर में बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। और हमें उस दौरान जो भी इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं या फिर और कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि जो बिजली के उपकरण हैं, हमें उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही बारिश आएगी तो फिर क्या होगा, फ्लड आ जाएगी और पानी भरने की वजह से वहां पर करंट का भी खतरा बना रहता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। और हमें जो भी डैमेज बिल्डिंग है, मीन्स जो घर टूट गया है या फिर और कोई बिल्डिंग है हमें उसके अंदर, या फिर कोई कहीं पर बाढ़ का पानी, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर उस जो बिल्डिंग है वो कितनी डैमेज हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है, और जो बाढ़ का पानी है उसके अंदर हमें नीचे ये नहीं पता कि इसके अंदर नीचे क्या क्या चीज़ें हैं।
क्योंकि वहां पर कई बार क्या होता है, कई ऐसी चीजें होती है जैसे हम उसके अंदर नीचे उतरते हैं तो उससे हमें चोट लग जाती है, और चोट लगने की वजह से हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। और जैसे ही आप साइक्लोन आती है या फिर वहां पर फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, तो हमें कोई सेफ जगह ढूंढ कर हमें वहां पर रुका रहना चाहिए, न कि हमें मौज मस्ती के लिए हमें इधर उधर घूमना चाहिए। क्योंकि इससे भी क्या होता है कि जैसे ही सावधानी हटती है तो कोई ना कोई दुर्घटना घट ही जाती है, तो इस दौरान हमें क्या होता है, बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती है। और फिर जो भी है, हमें रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम आती है तो हमें उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर किसी की हेल्प करनी है तो उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही क्या होता है कि हमें रेस्क्यू करना और उनका उनको कोऑपरेट करना। तो फिर इस दौरान क्या होता है कि जो हमें हमारे नेबर्स हैं या फिर कोई भी फ्रेंड है तो उनकी हेल्प करना चाहिए, मीन्स जो हमारे पड़ोसी और दोस्त हैं हमें उनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। तो फिर क्या होता है, जिससे अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो हमें भी दिल को सुकून मिलेगा, तो और उनकी जान भी बच जाएगी। और आज के दिन कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है, जिनकी वजह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अगर कोई सैटेलाइट के रडार में आ जाता है कि यहाँ पर इस एरियाज के अंदर कुछ पर्टिकुलर हलचल हो रही है जिनकी वजह से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है, तो फिर इस दौरान भी हम वहाँ पर वार्निंग इश्यू कर सकते हैं कि अगर मान लिया कोई 48 आवर्स पहले या फिर कोई 24 आवर्स पहले हम वार्निंग इश्यू कर सकते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर जो भी लोग हैं वो अपने लेवल के ऊपर अपना कुछ इंतजाम कर सकते हैं। ये तो होगी साइक्लोन की बात। साइक्लोन की तरह एक टोर्नेडो भी होता है। टोर्नेडो किस तरह, जैसे आपने देखा कि साइक्लोन क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स है नीचे से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो टोर्नेडो होता है वो ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं और वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वो भी इसी तरह एक बाउंडर ही होता है। लेकिन ये जो टोर्नेडो होता है वो नीचे से, जो साइक्लोन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और जो टोर्नेडो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जो टोर्नेडो होता है उसके दौरान भी हमें बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, और जो एक अंदर बिल्कुल फनल टाइप की जो शेप बन जाती है, तो फिर वो बिल्कुल जो क्लाउड से ग्राउंड की तरफ जाती है, तो जो फनल होती है इसके अंदर जो भी जो चीज आ जाती है इसका बहुत ही नैरो एंड होता है, और यहाँ पर बहुत ही लो प्रेशर हो जाता है, और लो प्रेशर होने की वजह से इसके अंदर जो भी चीज आएगी इनको बहुत ऊंचाई तक ये उनको उछालता रहता है। तो इसलिए अगर कहीं पर भी हमें टोर्नेडो दिखाई देता है तो हमें उसके आसपास को एरिया को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए, क्योंकि जो टोर्नेडो के अंदर की जो हवा की स्पीड है वो साइक्लोन से भी बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि साइक्लोन में तो लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, लेकिन जबकि जो टोर्नेडो होता है उसके अंदर 300 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड होती है। और इससे भी जैसे साइक्लोन के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इसी तरह हमें टोर्नेडो के अंदर भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जैसे टोर्नेडो आता है तो हमें वो सेफ बिल्डिंग या फिर सेफ हाउस के अंदर या फिर उस घर के बेसमेंट के अंदर हमें शरण ले सकते हैं, और वो भी अगर कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है तो हमें उसके अंदर ही जाना चाहिए। अगर किसी भी घर के अंदर ही कोई बेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो हमें वहां से जो भी हमारा घर है उसके जो डोर्स हैं विंडोज हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हवा उसके अंदर जैसे ही गुजरेगी तो वहां पर क्या होगा कि जैसे तेज हवा आएगी तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो वहां पर जो घर है उनके उखड़ने का या फिर उनके डैमेज होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बना रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति टोर्नेडो के दौरान अगर किसी गाड़ी के अंदर बैठा है तो हमें उस गाड़ी को तुरंत छोड़कर कहीं बाहर चला जाना चाहिए, क्योंकि या फिर कोई भी लो लाइंग एरिया या फिर कोई गड्ढा है तो हमें वहां पर जाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ियां होती है वो टोर्नेडो में हवा में उछल जाती है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से कई बार गाड़ियां भी बहुत ही ऊंचाई तक चली जाती है। अगर हम भी उनके साथ चले गए तो हम हमारी जान भी जा सकती है। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले एक वीडियो, नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ।